equal to Sehrad only. You know, soul नहीं है पिक्चर में. जो सैराट में हमें जो इनोसेंस देखने को मिली थी, जो सोल देखने को मिला था, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं गायब है. डायरेक्शन बहुत वीक है शशांक खेतान का. एक्टिंग की जहाँ तक बात करूँ, ईशान खट्टर टॉप क्लास. जानवी कपूर की बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत क्यूट लगी है, बहुत प्यारी लगी है. लेकिन डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स है. बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स है, जैसे कि जब आप कोलकाता में हैं तो वहाँ पर टैक्सी का कलर पीला होता है. करण जोहर साहब, प्रोडक्शन बड़ा है आपका, तो वहाँ पे टैक्सी का कलर पीला होता है. आपने बॉम्बे का शॉट लिया है, ठीक है, वहाँ पे पीछे में बैकग्राउंड में बॉम्बे है, लेकिन मतलब कोलकाता का बॉम्बे का बैकग्राउंड लिया गया, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर उधर हो गई है. तो फिल्म अच्छी थी. अगर हिंदी फिल्म की बात करूँ ना, तो एक हिंदी फिल्म थी, लेकिन यार वो जो सैराट वाला जो सोल था ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था. तो आप हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे कि वो मूवी देखें? इट्स मेड फॉर द लार्जर ऑडियंस, ठीक है, जो कि सैराट छोटी ऑडियंस के लिए बनी थी, मराठी ऑडियंस के लिए बनी थी. तो सैराट देखी लोगों ने. ये हिंदी फिल्म जो लोग देखते हैं ना, उससे लोग कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जो लोगों ने सैराट देखी है वो इस फिल्म से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. नहीं, म्यूज़िक बहुत अजीब है भाई, कि कुछ भी लिरिक्स लिखे हैं आपने. 10 किलोमीटर चल के मैं आया तेरी गली, तू उधर को निकली. तो जो म्यूज़िक था एक्चुअली अतुल आनंद ने ही दिया हुआ है म्यूज़िक इसका, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लिरिक्स में बहुत सारा गड़बड़ कर दिया गया है. सो म्यूज़िक अच्छा था, लेकिन लिरिक्स यार थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आया. तो आपके हिसाब से धड़क लोगों के लिए धड़का नहीं पाएगी? जो जिसने सैराट नहीं देखी है उनके धड़का पाएगी. अगर सैराट मतलब अगर धड़क को मैं एज एन ओरिजिनल फिल्म या ये रेट करूँ, सो आई विल गिव इट 3.5 out of 5. बट इफ आई यू नो कंपेयर इट विद सैराट, आई विल नॉट इवन गिव 2 out of 5. सो दैट्स माय ऑनेस्ट. मूवी बहुत अच्छी है. अच्छी तो लाइक जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको पता ही है, इंडिया का जो ऑनर किलिंग है. बट हाँ, कह सकते हैं सैराट का जो था उससे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल इन्होंने पूरा जो बैकग्राउंड है वो चेंज किया है, तो ऑब्वियसली काफ़ी कुछ उदयपुर का पूरा दिखाया है, हमको बहुत अच्छा लगा. और जानवी और ईशान ने बहुत अच्छा काम किया, सो क्रेडिट गोज़ टू जानवी और ईशान के लिए. बॉलीवुड में वेलकम है. दैट्स सॉन्ग तो बहुत अच्छे पिक्चराइज किए हैं, जैसा कि उदयपुर और मेरा होम टाउन उदयपुर है, तो मेरी कुछ फीलिंग भी उससे जुड़ी हुई हैं, तो बहुत अच्छा सॉन्ग तो बहुत अच्छे लगे. और अजय अतुल हैं, तो ऑब्वियसली म्यूज़िक तो बहुत अच्छा ही है. मूवी बहुत अच्छी है. यही है कि जो एंडिंग है वो थोड़ा सा चेंज है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो मैं नहीं बताऊंगा. वो सैराट से थोड़ा एंड इन्होंने चेंज किया है, तो वो आपको देखना पड़ेगा. धड़क 4 star, बट जानवी ईशान के लिए सुपर 5 to 5. It was great. I quite liked it. I liked how Ishan was in the movie. So yeah, it was a good movie for me. Sairat was very different, very raw in terms of how things turns out to be. Over here, it was a little fluffy. Like they added a little Bollywood to it, so it looked like it wasn't as raw as Sairat. I would say, like, I wouldn't compare it. Like, but like since I've watched Sairat, I would keep going back and comparing it. But the people who've not watched Sairat, it might be like a new thing for them. I don't know, the Dhadak title sequence was quite nice. I liked Pehli Baar where he jumped. That was like Yaad Lagla. I mean, I kept going back, I don't know. But yeah, it was all right. Ishan was great. I think I could relate to what emotions he was going through and stuff. I think Janvi also did a good job showing the, like, it had to be more emotional than romantic. So I couldn't feel the many emotions from her side, but from Ishan's side, I could feel like a lot of it. 2.53. Thank you. 2.9, the normal part, not excellent, but like one time watch, not again, never. The chemistry was not that nice as expected, but like for the debut, it's okay, normal, nothing extraordinary. The songs are really nice, especially Zingard. The directions part was nice, but the movie was only okay, so you can't do anything about it. I haven't seen Sairat, so no idea about it. A 1.5 or a 2, that's all. Okay, like I didn't like it that much, but it was okay. Screenplay wasn't good at all. Expected more from the movie. Yeah, but the picturization was like kind of okay. Sorry, in comparison to Sairat.
probably a 2.5 on 5. I expected so much more. 2.5. Execution wasn't that great according to me. On a whole, 2.5 on 5 stars. I really like Ishan's dedication to the movie. Janvi's was also nice. She tried her best. But I expected like a better debut. I haven't seen her work, so I did not really expect anything. Any particular song you could remember, like? Sorry? Zingart was Zingart. Nice. Zingart. Zingart. It made us move us, from our seats. What? How much star you would like to give? Stars. 2.5. सेरेट मैंने देखी नहीं है लेकिन इसकी स्टोरी अच्छी है. अच्छा दोनों की एक्टिंग अच्छी है डेब्यू के हिसाब से. टाइटल सॉन्ग अच्छा है. बाकी गाने वो जो जिंगाट गाना है वो ठीक है डांस वाला. 5. बहुत अच्छी लगी. इट्स एन ऑसम मूवी. हाउसफुल है. लोगों के दिल को छू गई. एट द एंड ऑफ इट देर वॉज अ यू नो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. तो इससे साबित होता है कि लोगों को बहुत पसंद आई. बहुत तालियां बजी एंड में. और जानवी और ईशान बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं दोनों. मैंने बियॉन्ड द क्लाउड्स देखी थी ईशान की इससे पहले. बहुत ही इंटेंस एक्टर हैं. और जानवी में वो मधुबाला और वहीदा रहमान की वो बात है. यू नो आँखों से इतना कुछ बोलती है. शी इज़ वेरी एलिगेंट वेरी ग्रेसफुल. और दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. सैराट में का पूरा सेटअप विलेज में है. ये पूरा अर्बन सेटअप है. फर्स्ट हाफ उदयपुर में है और सेकेंड हाफ कोलकाता में है. तो आई वुड सजेस्ट डोंट कंपेयर इट. स्टोरी सेम है. जस्ट लाइक सीता और गीता और चालबाज भी दोनों सेम स्टोरी थी लेकिन दोनों ही बहुत कामयाब मूवीज थी. सो इवन दो बोथ द मूवीज द स्क्रिप्ट इज सेम बाय नागराज मंजुले बट दोनों का जो प्रेजेंटेशन है जिसका क्रेडिट पूरा शशांक खेतान को जाता है कि उन्होंने इतना कलरफुल और इतना वाइब्रेंट बनाया है पूरी स्टोरी को कि यू विल रियली लव इट. अजय अतुल का म्यूज़िक है. फिर से वही सॉन्ग्स हैं जिंग 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 आर्ट. और भी कई सॉन्ग्स हैं जो बहुत अच्छे से उन्होंने पिक्चराइज किए हैं. जैसे मैंने कहा बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट बनाया उन्होंने मूवी को. 4 stars. मतलब लफ्ज नहीं है बयान करने के लिए. इट्स अमेजिंग मूवी. स्टोरी डायरेक्शन प्रोड्यूसर मतलब एवरीथिंग विल बी गुड. एक्टर एक्टिंग सब कुछ परफेक्ट है. टाइमिंग से किया गया है. इस चीज में कोई कमी नहीं है कहीं पे. मतलब लगता ही नहीं न्यू कुमार एक्टर है उनको ये नहीं लगा इतना कि न्यू कुमार है. इतना अच्छा ठीक है. मतलब जैसे सालों से एक्टिंग कर रहे हैं वो लोग. और एज एन एक्टर मैं भी यही कहूँगा मैम तो एक्टर सो सबको आगे देखनी चाहिए. और नए एक्टर जितने भी मुंबई में हैं स्ट्रगलर हैं सबको आगे ऑडिशन ना देके एक बार ये मूवी के लिए टाइम जरूर निकालें और देखें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा प्लीज. हाँ थैंक यू सो मच. सैराट से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. डिफरेंट है मतलब बहुत अच्छी मूवी बनाई है. सैराट भी अच्छी थी उसको गलत नहीं बता रहा लेकिन ये मूवी बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है. एक ऐसा इशू लेके आए जिसके लिए ज़रूरी था लोगों को दिखाना कि हाँ ये यू दुनिया के अंदर होता है. प्लीज़ इसको देखो और समझो ताकि ऐसा कोई प्यार करने वाला दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो. बाकी मैं मतलब एक स्टोरी है जो लोगों को सीख देने के लिए और सीख भी देने के साथ ना लाइक जो डायरेक्शन है उसका म्यूजिक है उसकी एक्टिंग है सब अच्छा है. सब कोई आओ और देखो मैं तो यही बोलूंगा. बस गाने भी सब बढ़िया हैं. टाइमिंग से दिए गए हैं सब अच्छा है. मतलब एवरीथिंग धड़क मूवी नहीं धड़क बाकी में यहाँ पे धड़का दिया दिल सबका धड़का देंगे. इसने तो धड़का दिया सुपर सीरियसली धड़का दिया. 5. थैंक यू सो मच. झका झका झका. अब बात करें एक्टिंग की. दोनों की एक्टिंग तो एक्टिंग वाइज दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी? बहुत अच्छा. दिल धड़का दिया सबकी एक्टिंग में. अभी नेक्स्ट रिप्लेसमेंट आ जाएगा शाहरुख काजोल के बाद. अब उनका टाइम गया. अब ये लोग आएंगे. नहीं रहे हमारे टाइम के. अभी हमारे डायलॉग की बात करें तो डायलॉग कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा. पप्पी गुद्दे का छोटा बच्चा सबको मारना पड़ेगा. जानवी श्रीदेवी की बेटी तो उस तरह कुछ दिखा उनका आईस 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 सेम सेम वॉइस भी थोड़ा वॉइस भी है ऐसे लग रहा था एक्सेंट जैसा होता है लग रहा था. कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों की एक्टिंग को लेके. हाँ मतलब सिमिलैरिटी दिखती है. श्रीदेवी आगे जाएंगे क्योंकि वो तो वो अभी आगे चलेंगे. सो कंपेयर टू सैराट धड़क क्या है?
मींस नेक्स्ट मतलब अलग अलग स्टोरी है सब बोल रहे थे हम लोग को कि पहले की सेम स्टोरी रहेगा पर इसने देखिए हम लोग को बता रहा था कि अब ये आएगा पर इसका कुछ भी ऑपोजिट हो रहा था ये कुछ अलग ही आ रहा था तो मींस टोटल स्टोरी अलग है मतलब उसकी तो मतलब बस सिर्फ लव स्टोरी वो भी थी ये भी थी पर स्टोरी पूरी चेंज है कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं पसंद आई मूवी में सब पसंद लास्ट हैप्पी एंडिंग चाहिए था वैसे पर वो थोड़ा शॉकिंग एंडिंग हो गया मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था जो हमेशा याद रहेगा लास्ट सीन कितने स्टार दिया जाएगा 4.5 एक बार सब साथ में धड़क 3 2 1 धड़क एक बार वाले मूव्स पीछे सब लोग पीछे माइक के पीछे पीछे और पीछे आओ फुल वाइट और पीछे 4 3 3 3 3